टू बी ऑनेस्ट, मेरा जो डिपार्टमेंट था कि जो मैं कंसिस्टेंट एक जगह डालूंगा, जो लास्ट टेस्ट मैच में जो मिसिंग था मेरे लिए, आज मैं वहाँ पर एरियाज पे डाला तो और मुझे सक्सेस मिला वो चीज़ पे, तो वो मैं बहुत ही हैप्पी वो चीज़ पे। देखिए आप जैसा ऐसी विकेट पे जब इतना बॉल स्विंग होता है, कुछ बॉल हरकत करती है, तो बॉलर सोचता है कि मैं यहाँ से लेग स्टंप से मैं आउट स्विंग डाल दूंगा, यहाँ से मैं अंदर मार दूंगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक ही अपने प्लान पे स्टिक रहिए और एक ही एरियाज पे हिट करते रहे तो वो खुद ब खुद ही विकेट मिलेगा। अगर आप ज़्यादा ट्राई करेंगे तो आप भी प्रेशर में आएंगे और टीम भी प्रेशर में जाते रहेगी, तो आगे वालों के ऊपर प्रेशर बिल्ड नहीं होगा। दोनों तरफ से मतलब पार्टनरशिप, ये विकेट पे पार्टनरशिप की बहुत ज़रूरत होती है बॉलिंग डिपार्टमेंट में, क्योंकि आप जब विकेट लेने जाते हैं तो रन्स भी जा सकते हैं वो टाइम पे, तो एक दूसरे से जब प्रेशर बिल्ड होता है तभी विकेट मिल सकते हैं। डिस्कशन ये हुआ कि जो लास्ट टेस्ट मैच में जो हम लोग ने नहीं कर पाए, जो हम लोग का जो बॉलिंग डिपार्टमेंट का काम रहता वो चीज़ नहीं कर पाए, वो उसी के ऊपर डिस्कस हुआ। और आप लोग देखे भी आज जो पार्टनरशिप में बॉलिंग की है, और मेडिंस भी जैसा लास्ट मैच में मेडिंस हम लोग बहुत ही कम डाले थे और इसीलिए वो ऑपोजिशन पर प्रेशर नहीं आया, तो आज मेडिंस भी वैसा डाले और प्रेशर बिल्ड किए तभी हम लोग को सक्सेस मिला। इतने साल से आप डोमेस्टिक भी खेलते हैं, आपको पता रहता है कि कहाँ से बॉल स्विंग होगा कहाँ से नहीं, और स्पेशली जब ओवरसीज आते हैं तो आपको अपने आप पे बिलीव रहना चाहिए आप कंसिस्टेंट एक जगह कितने बार हिट कर सकते हैं आप, तभी आप जाके ओवरसीज़ में सक्सेसफुल होते हैं। क्योंकि सक्सेस जब ओवरसीज़ आते हैं तो आपको लगता है कि इतना बॉल विकेट में पेस है स्विंग है तो आप कुछ भी कर सकते हैं बोल के आपके माइंड में जब आता है, तो आप यही सोचना चाहिए कि अब मैं अपने टीम को कैसा सक्सेस दिला सकता हूँ, तो उसी के ऊपर फोकस करना चाहिए।